हजार सूफी के तो बोल दिए, एक तरीक को दे दूंगा मेरे वाले 57,000 के। तो मैं किसने बोल दे दूंगा? मैंने देने सूफी के 6,000 पे? मैंने ये कहा कि तू क्लेश को खत्म कर, 6,000 मेरे से ले लियो। अरे भाई तू हर किसी के चक्कर में 6,000 अनमोल के लाख रुपए लाठी से कलवा दो, लाठी से कलवा दो। अरे यार वो तो पाजी आपने बोला था कि सूफी लेने के लिए आएगा, तो मैं कहा आ जाए लेने, दे देता हूँ सूफी को, आ जाए लेने। सूफी भाई कब, एक मिनट लाइए, लाइव पे तय कर लो ना कब कहाँ पे मिलना है। भाई कब मिलना है सूफी भाई बताओ, सूफी जी कब आ रहे हो लेने लाख रुपए? आज आ जाओ, सुबह आ जाओ, अभी आ जाओ। अरे आ जाओ, आप आओगे ऐसे अगर राठी को शेयर, राठी को ला लेना, राठी को शेयर। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट। राठी को आपने इस पर करो, लुल्ली गैंग क्या लिख रहे हो बहनचोद, पता क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है ये मान गया क्या? मैं माना नहीं, मैंने ये बोला रोडी भाई 6,000 का झगड़ा खत्म करो, मैं दे देता हूँ। मैंने गलत बोला भाई? 6,000 की, चलो 6,000 का तो झगड़ा हम लोग खत्म कर देंगे, ये सुमित भाई को ऐड करो। राठी जी को अब लो, राठी जी को लो, लो राठी जी को ऐड करो, ऐड करो सुमित को, ऐड करो। सुमित फोन कर रहा है, सुमित भाई फोन मत करो, ऐड करवा रहा हूँ मैं। अरे राठी को सुमित भाई ऐड करवा रहा हूँ, प्लीज फोन मत करो। अरे स्क्रिप्ट मत करो भाई, वो सुमित लाइव पे ही नहीं है भाई, बताओ लाइव पे। अरे सुमित नारंग है अपनी दूसरी आईडी से ही यार, क्या लाइव पे नहीं है? अरे अभी तो लाइव पे बैठा था वो, स्क्रिप्ट मत। अरे यार स्क्रिप्ट मत करो। अरे उनकी आईडी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको फिर से ऐड करो सूफी भाई। और बात 6,000 की, पाजी भाई ये 57,000 का क्या मसला है आपका? ये सुमित को देने उसका, अरे मेरी आईडी में रिपोर्ट डली पड़ी है। अरे क्या बोल रहे हो? अच्छा ये 57,000 रुपीज सुमित आपसे मैच के सट्टे में जीता है तो भाई उसका... एक तो मैं जुआ नहीं करता भाई, नंबर दो यदि देने आपको दिक्कत हो आप दे दो। अरे नहीं नहीं, अरे मुझे क्यों दिक्कत हो रही है? लेकिन सुमित भाई बोल रहे हैं कि पाजी समाज के ठेकेदार हो, बात तो सुनो, ये सारे समाज के ठेकेदार इंस्टाग्राम पे इकट्ठे क्यों हो जाते हो? कभी 6,000 कभी अनमोल के पैसे देने से पहले सुमित एक बार अनमोल के तो पैसे, अरे अनमोल के तो पैसे आपने खुद ने लोगों के सामने बोला था कि भाई मैं पैसे दे दूंगा। भाई देने किसने पैसे हो? राठी ने। मैंने कहा राठी मेरा अच्छा दोस्त है, भाई है, मैं देता हूँ लाख रुपए। सूफी पंचकुला आगे ले जाए, वहां से बताता हूँ ले जाए आगे लाख रुपए, मना थोड़ा कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने जुबान दी है ना, आपसे प्रॉमिस भी लिया और भोसड़ी वाले आप, मैं अपने बाप तेरे को नहीं बोल रहा, तेरे को नहीं है, मैं अपने क्या नहीं करते, मैं सारा दिन पड़ा रहता हूँ। मैंने बोले नहीं, वो प्रोडी भाई ने बोला सूफी ले जाएगा, मैं माँ बाप की सेवा करूंगा ना, क्या चुतिया पा कर रहा है। फिर तुम्हें फिर गाली दी, तेरे को फर्क पड़ा क्या? अरे लेकिन कुत्तों की कमाई खाने वालों को, जो मेरा कुत्ते की गांड मार सकता है वो किसी को भी गाली दे सकता है भाई। अरे देखो यार, देखो यार, मैं मूत कर दूं, इसे मूत कर दूं मैं। अरे यार देखो गुरुप्रीत भाई, यार देखो नया साल आने वाला है, इसको पहला कुत्ता, इसको बोल पहला कुत्ता कैसे मरा था भाई, तेरे को पता है? ये कुत्ते की गांड मारा था, कुत्ते ने गांड बिछीड़ ली थी अंदर से, पता है आपको? अरे यार इतनी गंदी बात मत करो यार गुरुप्रीत भाई, यार भाई मरा था कुत्ता ऐसे, ये कुत्ते की कमाई खाता है, कुत्ते की गांड मारता है, हमने देखा है इसको। अरे भाई बताओ सच क्यों नहीं बोलते, सच क्यों नहीं बोलते भाई? अब मेरे पास सुनो, मैंने तो नहीं बोला सूफी भाई मेरे से पैसे लेकर जाए, आपने बोला, मैं बोल रहा हूँ इशारा समझ गया, आपने बोला कि सूफी भाई को भेज दे, मैंने कहा सूफी भाई को भेज दो। अरे गुरुप्रीत भाई आपने पहले वो उसकी अनमोल की लाइफ पे आपने बोला था ना कि मैं सूफी को 1,00,000 दे दूंगा। मैंने कहा था आप किसी को भी पैसे लेने के लिए भेज दो, दो बंदों का नाम लिए थे, यही बात है, बंदों का नाम लिया था जिसमें बिट्टू को साइड में रख के सूफी का, हम लोगों ने सूफी को बोला था कि भाई सूफी से बात करके बताऊंगा। अरे हाँ तो बात कर ली ना सूफी, मेरा यार ले जाओ बात कर भाई, ना सूफी ने मेरे से लेने ना मैंने अनमोल के देने, झगड़ा अनमोल का और राठी का। क्यों बन रहा भाई? मैं चौधरी नहीं बन रहा भाई, मेरे को बोला गया कि पैसे दे दो। क्या तेरे को मेरा नाम लेने की क्या जरूरत पड़ी है बता, जब तेरा मेरा लेना किस बहन के लोड़े ने तेरा नाम लिया है? अभी तो सबके सामने कह रहा तू सूफी को दूंगा मैं। अरे बोला भाई वहाँ हमारे पास सूफी रहे, सूफी को पैसे ले जाएगा। ये देख लो भाई अभी कह रहा मैंने सूफी का नाम लिया भाई, तो अब तू कह रहे मैं नहीं आ सकता, बात खत्म होगी इसमें, इसमें क्या बात है, कह रहे मैं नहीं आ सकता। परोड़ी भाई की लाइफ चल रही है, तेरे पास पैसे हैं तो भाई ट्रांसफर कर देना।
पनोड़ी भाई की लाइव चल रही थी, अनमोल के आगे राठिया के आगे तूने कहा था सूफी आएगा तो मैं लाख रुपए दे दूंगा, ये बात सूफी और एक बिट्टू भाई, बिट्टू का नाम भी लिया था। अरे यार फिर, अरे बिट्टू का नाम राठी ने लिया था, अरे मैंने लिया था भाई, यूट्यूब पे पड़ी है, चाहे देख लो, चेक कर लो, पनोड़ी भाई की अनमोल की लाइव थी, पनोड़ी भाई बैठे थे। ले भाई ले, पनोड़ी तेरे को झूठा बना दिया अब। अरे नहीं नहीं, झूठे सच्चे की बात ही नहीं है वहां पे, बात आपने ये बोला था कि नहीं बोला था कि आप 1 लाख दोगे? बिल्कुल अभी भी कह रहा दूंगा। अच्छा तो 1 लाख रुपये वहां पे ये तय हुआ था कि अनमोल ने ये बोला कि सूफी को दे देना, ये बहन का लंड ठीक है, कुछ भी नहीं। अनमोल ने सूफी का नाम लिया था उस लाइव पे, बिल्कुल। तो अब आप ये बताओ कि सूफी कब आपसे पैसा लेने के लिए आए? अभी भेज दो। जिसको पैसे देने होते हैं ना वो पैसे दे देता है, ये सिर्फ बकचोदियां कर रहे हैं। ये फोन सुन नहीं आते बेटा, ये झूठी ये चूतिया काम मत करा कर किसी को। तो सुन ले भाई, अभी भाई बोलो बोलो भैया, राठी को ले लो लाइन पे, राठी आ गया, लो लाइन पे राठी को, सुन लो। आंगरिया में पैसा डाल दो, गूगल पे करो। अरे ये लोगो पैसा नहीं है, ये हवाबाज है बहन चो, पैसा वैसा किसी का नहीं देना, खाया पिया खत्म। अब बताओ जी ब्रोनी जी, अब मैं क्या करूं बताओ, हम तो एक दोस्त हैं, पैसे देने हैं तो आप आंगड़िया कर दो ना, हमारे आंगड़ी है ही ना, हम छोटे गांव में रहते हैं ना भाई। अरे यार गुरुप्रीत भाई, अब तो तुम ये तो यार, ये तो हद हो गई यार। चंडीगढ़ चंडीगढ़ तुमका फ्लैट है, चंडीगढ़ आके ले जाए, चंडीगढ़ में क्या दिक्कत है? अब बता कौन सही है सूफी, अब बता अपने मन से बता, बता चंडीगढ़ आके ले जाए पैसे। अरे पब्लिक नीचे गाली लिख रही है इसको, गाली क्यों? मैंने तेरी बहन चौधरी मेरे को गाली लिखेगी पब्लिक, जो पैसे किसी के तेरे किसी ने आके ले जा भाई, मैं किसी को क्यों दूं, मैं किसी का नौकर हूं? एक तो किसी का मसला, एक किसी का झगड़ा, तो मेरा कर्जा दे रखा क्या मैंने किसी का? अरे नारंग के पैसे दे, नारंग मांग रहा है सबके सामने भाई। अभी तो तू कहता बहन का नारंग गाली दे रहा था, तू एक जुबान का तो बन जा, तू भी बहन का सबसे कुत्ता पैदा हो रखा है इंस्टाग्राम पे। लाइव चलाई नहीं 57 के लिए, मेरी पनोड़ी से बात हुई थी, सबसे सबसे बड़ा कुत्ता तो तू ही है। कभी तो तेरे को अनमोल के पैसे चाहिए, कभी चैनी के पैसे चाहिए किसी की, कभी तेरे को 6,000 रुपए चाहिए कुत्ते की गांड मारने वाले। कभी तू कहता मेरी 3 शादियां होगी, बहन के तेरी घरवाली भागी हुई है, ठीक है? तू कहता मेरे कर्ज, तेरे तू कबाड़ी का काम है तेरे बाप का, दाना मंडी में तेरी लाइफ पर इंस्टाग्राम में भी दिखा दूं तेरा आधार कार्ड, कहाँ रहता है तू दिखा। अरे बहन के लंड कुत्ते के नाम के पैसे खाता तू, बहन चोद बीमारियों के नाम के। गुरुप्रीत भाई बात तो समझिए भाई, मैं मजदूर हूँ, मैं एक बार ही बोला कि इसको जाकर समझा के पैसे दे के आऊंगा। अरे मेरी बात तो सुन, अरे गुरुप्रीत भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं मजदूर हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं नल्ला हूँ, मैं छक्का हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, मेरी माँ रंडी है, मेरी बहने रंडी है, मेरा बाप दल्ला है। अब ये सारी चीजों को क्या फर्क क्या पड़ेगा बताओ? बात तो यहाँ पे पैसों की है ना, पैसों की है। इसका बाप कबाड़ी है, इसका बाप लुधियाना जाके पैसे लेकर आऊंगा। अरे मेरी पहले बात सुनो पनोड़ी, ये 1 घंटे का रास्ता है, ये सूफी चला जाए इसके पास, 1 घंटे का ही तो रास्ता है। सुमित मेरी बात सुन, मैंने एक बारी भी बोला कि मैं लुधियाना जाके पैसे लेके आऊंगा, मैंने बोला पंचकुला चंडीगढ़ अंबाला कहीं से भी आके पैसे ले जा, बात खत्म। दो बंदे अरे मैं हैं? किसी का पैसा लेने आऊं, बात खत्म। इसमें गाली देने वाला सूफी भाई, पहली गाली आपने दी, इसमें आप कहते मैं नहीं आता भाई, जिसके जिसके पैसे है वो दे ना दे, हमने क्या लेना? आप ये बात कह के भी बात खत्म कर सकते थे। अरे यार मेरे को क्या लेना देना बहन चो, तू पैसे यही तो प्यार से भी कह सकते हो आप, ये बात प्यार से सूफी लेने के लिए आएगा चंडीगढ़ में, मेरा क्या लेना देना बहन चो किसी के पैसे से? यार भाई नहीं लेना था ना, मैं यही बात कह रहा हूँ, एक यारी दोस्ती, मैंने जब सुमित नीचे बैठ गया था मैंने क्या कहा आपको, किससे लेने किससे देने? 6,000 रुपये ना मेरे से ले लो, बात करो, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते, या तो हम इकट्ठे बैठे ना, जब मर्जी आकर ले जा ना, लेकर आख वो भी ले, 6,000 वो भी ले जा। नारंग भाई अभी आप दोगे पैसे? नारंग भाई को वो भी 6 ले जा, लाख भी ले जा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी देख 12:30 हुए हैं, तेरे को भी 1 घंटा लगेगा, मेरे को भी 1 घंटा, वही मिल जाते हैं जहाँ पहली बार मिले थे सुमित में, सारे इकट्ठे मिल जाते हैं। सुन सुमित भाई कैमरा ऑन करो पहले, बोलो। अब देखो अभी मेरे को कह रहा है तू पैसे लेके, नारंग भाई अभी आप पैसे दोगे भाई? ये मुकर गया, अब देखो बातों बातों में मुकर गया, बताओ भाई। मैं कह रहा हूँ 1,600 होमलैंड के बाहर जाकर ले जा, लाइव सेव कर, इसने खुद कहा 6,000 मैं दूंगा और लाख रुपए भी दे। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी दे, मैं भाई झगड़ा खत्म कर दो, 6,000 मैं देता हूँ।
टोड़ी एक बार बता, एक घंटे का जो सफर है सूफी तू जाके लिया है ना, क्या दिक्कत है? जब तेरे 6000 भी तो दे रहा गला एक घंटे का। अरे माँ का भोसड़ा, 6000 के लिए मैं जी रहा हूँ क्या? ये गिफ्ट पड़े देखो, कितने गिफ्ट पड़े हैं, बैठ के दारू पी रहा हूँ। ये तो लोगों से आए, ये तो लोगों से, ये तो लोगों के लिए वो अनमोल के भी तो परे है ना, अनमोल के भी ये तो लोगों से गिफ्ट आए हैं। नोड़ी भाई ये गिफ्ट तो लोगों से भीख मांग कर आए हैं। अरे लाख रुपए का पता क्या है सूफी, इसने परसों लाइव पे कहा है कि सूफी के हाथ में लाख भी दे दूंगा 6000 भी दे दूंगा, ये बात लो पनोड़ी भाई को बोला इसने परसों लाइव पे। तेरे अकेले का नाम नहीं लिया, तेरे अकेले का नाम नहीं लिया, मैं कहा मैं दो बंदों को जानता हूँ, दूसरे बंदे का नाम पनोड़ी भाई, दूसरे बंदे का नाम भी लिया ना तू, सुमित सुमित का नाम जानता तू? देखो भाई मैं न्याय की बात बोलूंगा, सूफी का नाम, सूफी का नाम अनमोल ने लिया था, सूफी का नाम अनमोल ने लिया था। राठी के पैसे तो देने हैं, राठी की जगह मैं राठी में कह रहा हूँ, बाद में दे दूंगा। आप पैसे उस शर्त पे दे तो फिर पैसे उस शर्त आप यार मिलिट्री प्रोटेक्शन उस शर्त पे दे रहे हैं यार, मिलिट्री प्रोटेक्शन। सुन लो आप यार, और सुन लो प्रोडी भाई, पैसे उस शर्त पे दे रहे हैं कि राठी की बेटी की, राठी की वाइफ को अनमोल गाली नहीं देगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे आपसे ले, हाथ ले एक हाथ दे और एक हाथ ले। जैसे ही मैंने अनमोल के भोसड़े में पैसे डाले उसका मुंह बंद, भोसड़े समझ लो बात को, पैसे डाले ठीक है, जैसे मैंने बंडल डाला ठीक है, वहां चुप्पी लग जाएगी भाई। सुन सूफी, अरे ये हंस क्यों रहा है? ये भाई मिले, ये इसको कहते स्क्रिप्ट, ये दोनों मिले हुए हैं भाई, मिले हुए हैं। ओ भाई मैं कुछ ना मिला हुआ, तू कह रहा स्क्रिप्ट मिले हुए तो फिर, अरे तू अपने पैसे मांगना फिर मेरे को क्यों कह रहा है भाई? मैं किसी बात तो समाज के ठेकेदार, तू तू करके बात मत कर, पहले तो बात तू तू करके बात मत कर, रिस्पेक्ट से बात। अरे मैंने नहीं बोला, अनमोल खुद बोलती है कि डाल दो पैसे मेरे भोसड़े पे, अगर तुम पैसे कर रहे हो तो सही बोल रही है वो। देखो ये तो सुन भाई, एक काम कर तू भी बोल दे, तू भी बोल दे सूफी के 6000 मेरी गांड में डाल दो, बोल दे भाई तू भी चुप हो जाओ सुमित भाई, कसम से बताना आप और मैं, आप चलाते हो कोई पेटीएम या गूगल पे? नहीं मैं तो भाई मैं ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैं थोड़ा ना करता हूँ भाई। नहीं यही बात होती है ना, अब पैसे देने हैं राठी ने, हमें दुख लगा, अब तेरी लड़की को कोई गाली दे या मेरे लड़के को, मेरे को लगा दुख, मैंने कहा भाई राठी, राठी कह रहा मैं टूट गया हूँ काम में, मैं कोई बात नहीं भाई तू छोटा भाई है, दीदी को गाली पड़ती है दे दूंगा, अनमोल गाली नहीं देगी, तूने पनौड़ी का के बता और फिर ठीक है। अब मैं जानू, मेरा राठी जाने दोस्त जाने ठीक है ना, मैं जानू और राठी जाने, मैं लाख रुपए, मैंने सूफी का स्पेशल नाम नहीं दिया, सूफी मेरा भाई है, हाइपर हो जाता सुमित ये पहले भी इसने परसों चौथे भी गाली दे दी, आज फिर गाली दे दी इसने, ये ऐसी कर रहा है। गुरप्रीत बात सुन मेरी, तेरे को मेरा नाम लेना ही नहीं चाहिए था भाई, सॉरी गलती हो गई, आगे बोलो सॉरी मांग लेना। अब तेरा नाम, तेरा सुन बात खत्म हो गई, तेरा अब सुन, आगे सुनो, आगे सुनो, तेरा नाम राठी भाई ने लिया था, मैंने नहीं लिया था बस, फिर अपने रिलेशन देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करवानी है आपके हाथ। मैंने क्या बोला सूफी जी, आपका नाम राठी भाई ने लिया था, मैंने नहीं लिया। अरे मेरी आईडी उड़ गई, सुनो तू चला जाना, तेरे को क्या दिक्कत है 1,06,000 में, तेरे को डर क्या लग रहा है इससे? मेरी आईडी उड़ गई सूफी अरोड़ा व्लॉग्स, सुनो यार ये बात तो सुनो सुमित भाई, अरे लेकर 1,06,000 कैसे, 1,06,000 कैसे लेने निकलते हो, 5 साल दिन लेकर गए हो आप को, कोई बताओ कोई घर नहीं रुके के कहाँ नहीं रुके, कोई झगड़ा कोई लड़ाई, ये अब मैं ना कह रहा तू आ भाई, तूने ठीक जवाब दिया, मैं अपने बाप का काम नहीं करता, मैंने नाम नहीं लिया, यदि मेरे मुंह से कहीं नाम निकला भी है उसके लिए भाई सॉरी, आगे बोल भाई। देखा भाई नारंग भाई, अब देख लो कैमरा ऑन करियो नारंग भाई,
अब बोल अब चलो अब ये तू प्रोडी का दोस्त है यार, ये तो मुकर ही जा रहा भाई, पल पल मुकर रहा है भाई। बताओ नारंग भाई, अभी कौन मुकर रहा है? नारंग भाई के पैसे दे दे, पहले बात सुन मेरी, पहले बात सुन भाई, मेरी बात सुन। ये अगला तेरे को देख, यू स्टे इन लुधियाना, ही स्टे इन चंडीगढ़, राइट? दोनों का डिफरेंस हो गया, दोनों आधे आधे। अंबाला अंबाला एक घंटा से एक घंटा मेरे को लगेगा। नारंग भाई तो मैं गुड़गांव से आऊँ 6 घंटे के लिए, चले जाओ 6 घंटे, तुम तो वेला ही हो। तो मैं तो वेला ही हूँ, मैं तो तेरे पास भी आ जाऊंगा। आ जाओ उसके बाद पैसे लेके मेरे पास आ जाओ, यही रंडी छोड़ेंगे, इधर आ जाओ। मेरी पहले बात तो सुन, तू कमिश्नर का छोरा है, किसका छोरा जो तेरे पास? अरे माँ का घोसला। एक मिनट मेरे दिमाग में, एक मिनट अभी मेरे दिमाग में बत्ती जली है। सुमित भाई आप लोग गोवा, एक मिनट सुमित भाई आप लोग गोवा जा रहे हो ना? 28 का इसने बोला था, 28 भाई। चलो देखो भाई, 3 दिन बाकी है, 28 को आप गोवा में जा रहे हो, ठीक है? गोवा तो चब जाएंगे, ये गूगा ये इसी ने सारा पैकेज करवाना है, रुपए इतने भाई। 27 को मेरा चेकअप है, क्या बताऊं 29 को जाएं होगा। अभी से बोलता हूँ चेकअप में रिपोर्ट अच्छी आएगी, लेकिन ये बंदा बोलेगा कि भाई रिपोर्ट्स मेरी बहुत खराब आई है, गोवा का कैंसिल कर दो। अब चलो चंडीगढ़ भाई, सारे लोग लिखो चलो चंडीगढ़, मैसेज लिखो सूफी भाई चलो चंडीगढ़। अरे मैं अपने बाप के ऑफिस में जाऊंगा ना सुबह ट्रांसपोर्ट के, अरे ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते उसको, कबाड़ी की दुकान बोलते हैं। हाँ तेरी माँ वहाँ पे मेरे को सुनेगा फिर मेरे मुंह से गंदी बातें। गाली दे, मैं तेरे को गाली नहीं दूंगा, मैं तेरे को गाली नहीं दूंगा भाई, मैं तेरे को कभी भी गाली नहीं दूंगा। बात कर तो फिर सामने वाले भाई, मैं आपको गाली नहीं दूंगा, मैंने गाली छोड़ दी है, मैं आपको गाली नहीं दूंगा। मत बोल माँ के लिए, मत बोल, जो बात है पैसों का वो ले। अरे यार तू बहन जो पैसे, अब नारंग भाई एक बात बताओ, आप ये तो बता दे, बात सुन, अब तेरी बात तो सुने, चलो छोड़ो पैसे क्यों छोड़ो, अब तेरी बात भी करता हूँ। अब तूने गाली दे दी माँ की, तू सुने गाली गाली नहीं दूंगा। तूने 3-3 शादियां करवाई फिर भी कुत्ता छोड़ता है तू। एक मिनट रुक जा, अरे बहन चोद कुत्ते का क्या सीन है, पहले कुत्ते का बता क्या सीन है। अरे सुमित भाई, अबे कुत्ते कुत्ता कल लाइव पड़ी है मेरे पास, डोगी अपने डोगी को बेटा बोलता है और इसके मुंह से निकला है माधर चौथ कुत्ता, अपने बच्चे को बोल रहा है माधर चौथ कुत्ता। वो अभी भी कहता था लाइव शेयर कर दूं यूट्यूब पे, वो भी पड़ी है, बोला था ना कुत्ता अपने बेटे को। हाँ तो मेरी बात सुन गुरप्रीत, तेरे को पता है इस हिंदुस्तान के अंदर चाइल्ड अब्यूज और एनिमल अब्यूज के ऊपर क्या क्या लॉ बने हुए पता है तेरे को? पर मेरे पास तो प्रूफ है ना, बाथरूम में तो शादी करने के लिए लोगों की और लोग की सबकी बात कर लो भाई, लो मेरे पास वीडियो है, ये कमरे ये बाथरूम में लैटरिंग करने गया, कुत्ते को साथ लेकर गया। अरे ये क्या यार बात है भाई, वो छोड़ो, लो ये है, लो ने वो कर दिया। गुरप्रीत सुनो मेरी बात, पैसों का क्या है वो बात करो, मुद्दे की बात वो बात चलो चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़। अभी तक तो जयपुर पे अटके हुए थे, चलो जयपुर, अब चलो चंडीगढ़ भाई आधा आधा रास्ता। आप तो आप उसको तो मर्द बोल रहे थे ना, अरे उसको मर्द बोल रहे थे ना आप, क्या नाम उसका भाई का, क्या नाम है यार सुमित उसका भाई का, जयपुर उसके मामे के भांजे का? मेरी बात सुन लो संजय, एक मिनट मेरी बात सुनो, गोवा का क्या प्लान है बताओ, मैं रास्ता निकाल देता हूँ। पहले 1,00,000 तो दे दे यार, पहले यार गोवा चले जाएंगे, पहले 1,00,000 देंगे। अरे लेकिन रास्ते में वो उसके घर पे जाके जाना, तुम लोग रास्ते में ही तो आता है। किधर है दिल्ली, किधर है, पागल हो गया नक्शा? आप गूगल पे सर्च मारो। अच्छा सुमित फोन आ रहे हैं, इसको देखना टाटा बिरला के लड़के को। हाँ वो भी तो है ना, टाटा बिरला बाप का कबाड़ी का काम है, कर रहे हैं फोन दिखाओ किसका। अरे बाप का कबाड़ी का काम है, गान से खरोट तोड़ता है बहन। अच्छा गुरप्रीत भाई, मेरे बाप का जी तो बोलो का काम है, मैं तो अपनी गान से अखरोट तोड़ता हूँ, तेरे बाप जी भाई का काम है भाई, वो सारी बातें जाने दो, ये देखो सॉरी भाई मेरे बाबा की चीजें काम है भाई। या होल्ड होल्ड इट, तेरी माँ का दल्ला था भाई वो,
तेरी माँ का दल्ला था, मतलब तेरी मम्मी में कमी थी, सुभी तेरी मम्मी में कमी थी, सुभी तेरी मम्मी में कमी थी, गांव से पैसे लेके ना चूत नहीं देती थी तेरी तेरी माँ वहाँ पे क्या बात है भाई। देखो बॉबी पूरी मॉडिफाइड कराई हुई है तो पूरी पीछे भी नंबर प्लेट ये बॉबी है देख लो भाई क्या बात है। चलाओ पनौड़ी भाई एक राउंड तो काट गया उस पे। अरे नहीं ये इलीगल है यहाँ पे पुलिस वाला इधर ही है लेकिन ये बच्चा बहुत ही डेरिंग वाला है। रोक रोक काफी जोर भाई ये लीगल नहीं है यहाँ पे ड्राइव करना। देखो भाई बॉबी आजा मादर छोड़ आ तेरी बहन के भोसड़े में लंड डालूं आजा। ओ ले ब्रो यू गॉट द एनर्जी ड्रिंक व्हाट्स ऐड लिख रहा भाई ऐड लिख रहा नीचे यहाँ पे ये बॉबी मैं चला रहा हूँ और पता नहीं ये पाजी पैसे दे दो मेरे पैसे दे दो मेरे पैसे। अरे मेरे नहीं वो अनमोल के। अरे एक बात बताओ सुनो पैसे किसी ने लेने देने किसी ने ये गुरप्रीत बीच में मादर चोद चोदर मार रहा है अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने भाई ये एक बार ऐड कर लेना ऐड कर ले ऐड ऐड लिख रहा है। एक बात बताऊं ये सुमित नारंग और गुरप्रीत की स्क्रिप्ट है भाई ये दोनों मिले हुए हैं आपस में। भाई मैं मिला हूं ना सुन अपने बड़ा का समझो कैसे तू भाई अपनी बात को अपनी बात क्यों नहीं कर रहा पहले 6,000 की माँ छूती थी फिर लाख की माँ छूती थी फिर ही तो 57,000 तीनों पैसे इकट्ठे तो मांगेंगे तो कहाँ पैसे किसके पैसे दिए मेरे पैसे के बारे में 6,000 तो किसी ने दिए नहीं। मेरी पहले बात सुन तू ज्यादा किल्किलबाजी कर रहा है तेरे यहाँ से इकट्ठे का रास्ता चला जा अगला बुला रहा है 1,06,000 के लिए एक मिनट रुक जा मेरे को लेने है क्या मेरी मेरी तरफ से जला दे आग लगा के जला दे मेरी बात सुन तूने तू आग लगा के जला दे मेरे को क्या लेना देना भैंचोद आग तुम सच्चाई बताओ उस दिन लाख रुपए की बात इसने बोला नहीं बोला कि भाई चंडीगढ़ दिया हूँ अम्बाला दिया हूँ यहाँ दिया हूँ। अरे सुनो पनौड़ी भाई मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ 1,00,000 रुपया देगा ना वो गुरप्रीत उसको बोलो तुझे तेरी बहन की कसम तुझे तेरी माँ की कसम 1,00,000 रुपए को आग लगा के जला दे पुनीत भाई ने बोला भाई हम लंगर करेंगे बात खत्म हो गई। अरे तू भी मेरी गाल सुनेंगे एक मिनट गाल सुनेंगे एक मिनट आवाज काट है तेरी आवाज आ रही है बंदा तेरे बारे उस दिन क्यों बोलिया उस दिन बोला ये कि तूने अनमोल नहीं अनमोल की छोड़ तो मेरे घर आके पैसे लेके गया कैश तू पैसे ले गया कि मैं पैसे ले गया भैया करो पूछिए रहने करो किड़े पैसे ले गया तू करो वही गल है नहीं राज भाई मैं समझा रहा हूँ इसको कैमी पुत्र को सुमित ने कुछ नहीं बोला उधर सुमित ने कुछ नहीं बोला इसने बोला कि तेरे तुम मैंने कैश दिया है मेरे पास सबूत नहीं है। अरे नारंग और गुरप्रीत मिले हुए हैं भाई आपस में अच्छा हम मिले हुए तो फिर हमारे ये स्क्रिप्ट कर रहे हैं मिलके लोगों पर नहीं 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 सुफी भाई ये नारंग भाई को 57,000 लेने हैं भाई वॉइस नोट मुझे भेजी है इन्होंने वॉइस नोट भेजी है मुझे ऐसी उल्टी बात मत करो सुफी भाई तो वॉइस नोट तक भेजी है 57,000 इस बंदे को गुरुप्रीत से लेने हैं पक्का लेने हैं सुमित को लेने हैं भाई उसकी माँ रंडियो कुत्ते से चूदे अगर ये लाइव स्क्रिप्टेड हो तो जा ये ले यार फिर तुम ले तुम उसको क्यों नहीं मांग रहे फिर उससे पैसे तो तेरी लाइव तेरे चक्कर में लाइव पे आ गया सब चीज आ गया पनौड़ी से पूछ ले भाई अगर ये अगर इसी बात को स्क्रिप्टेड करो ना तो सारा आज ही भाईचारा बंद कर दो पनौड़ी ले लेगा नहीं नहीं भाईचारा नहीं बंद करना नहीं 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 ये बात सच है सुनो मैं सुनो 57,000 लेने हैं सूफी भाई को और 46,000 वो गरीब बालियान जीता था लूडो गेम में हाँ। सुमित भाई ये बात सच है नहीं है बालियान अरे यार पनौड़ी भाई क्या चूतिया पर बात कर रहे हैं बालियान क्यों जीता है वो गरीब पूछिए कब से जानते हो जीता है सूफी भाई जीता है सूफी मंजा जीता है 46,000 वो गरीब जीता है वो गरीब आदित्य आदित्य बाल्यन को दिए इसने दो दो पांच पांच हजार का स्क्रीन शॉट बुलाओ उसको सच्ची बताओ उसको भी बुलाओ 46,000 जीता है बाल्यन जीता है वो गरीब
दिवाली एक दिन पहले मेरा तो खुल गया मैं 46,000 जीत गया कैसे जीत सकता है वो अरे बस स्क्रिप्टेड लगे स्क्रिप्टेड यहाँ चार दिन से गान मार रखी है पनौड़ी की मैं लाइव चला अरे बीच में भाई इतने सारे फोन कॉल्स आते हैं अभी ये मेन फोन से मैं लाइव पे आया हूँ ठीक है भाई देखो 46,000 आदित्य बालियान जीता है लूडो गेम में जिसमें बीच में था सुमित नारंग ने रिस्पॉन्स भी चली थी ये गारंटेड गारंटेड पे ये थे बंदा जी, वो तो वो भी बता देगा फोन करके बुला वो तो खुदा भर दे उसको बुला ले मैं तेनू कॉल कर रहे तेरे नंबर दे दूजे लास्ट वाले नंबर दे कॉल कर रहे दो तू फोन चक्की एक मिनट वास्ते मेरा मैनू ना करी चल मैं भाई करना तेन कॉल तेन बता मैनू ना करी अरे मैनू पता है तू चुदवा के आई है तू बड़ा तेज है भाई तू इसके पैसे नहीं मिलेंगे तो सारी सुनो पनौड़ी भाई सारी लाइफ पे ऐसे होगी इसको बाबा को स्क्रिप्टेड लगता है बताओ इसकी बात भाई देखो भाई, नारंग ये भाई सारी फसाद की जड़ है ना ये सारी फसाद की जड़ ये पाजी है ये गुरुप्रीत पाजी है सारी फसाद की जड़ भाई इतनी हल्की बात कर दी भाई तू ये बता पनौड़ी भाई को भी झूठा बनवा दिया अनमोल वाले मैटर में अगर स्क्रिप्टेड हो ना ये इससे पूछ ले पनौड़ी से तो तेरे से बहुत ज्यादा वो है पूछ ले इससे तीन चार अरे सोफी भाई तू बैठे रहो यार कोई पनौड़ी भाई आप मेरे को प्यार करते हो नारंग भाई आप मेरे को प्यार करते हो बताओ मैं हर एक इंसान से हर एक मनुष्य से प्यार सुनो अरे सुनो हाँ। मुझे क्या पता वो 1,00,000 रुपया किसका है किसने देना है किसको देना है मुझे पता है क्या तो इसने खुद ही तो बोला है कि मैं सूफी को दूंगा अरे मुझे क्या पता भैनचोद किसका पैसा किसको देना मैं बीच में बड़वा लगा हूँ क्या भाई बताएंगे ना पनौड़ी मैं बताता हूँ सुनो आप लाइव पे नहीं थे मेरे को नहीं पता उस दिन की लाइव पे क्या सुनो अरे मैं कहता हूँ 1,00,000 रुपया का रोक के मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो भैनचोद मुझे क्या आराम के बैठ रहे हैं 1,00,000 रुपए अरे मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो ना यार मेरे को क्या लेना भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग है ना पार्लियामेंट में बैठे हैं और यहाँ पे हाँ पहले बात तो सुनो स्पीकर को तो बोलने दो स्पीकर को बोलने दो स्पीकर की गांठ फट रही है ये रुको मुझे बोलते बात ये हुई थी सूफी भैया कि उस दिन लाइव चली थी तो वहां पे गुरुप्रीत पाजी ने ये बोला कि भाई ये क्या नाम है ये राठी अपना भाई है तो राठी की बहन बच्चों को उसकी वाइफ को ये गाली देती है पिछले 2 महीने से गलत बात अनमोल तो उसने ये बोला कि अनमोल चल बात को खत्म कर आई गिव यू 1,00,000 रुपीज तो वहाँ पे ये बात हुई राठी ने ये बोला कि भाई पैसे लेने के लिए बिट्टू को भेज दो बिट्टू के हाथ में पैसे दे देंगे क्योंकि राठी को बिट्टू को पकड़ना है ठीक है तो वहां पे इसने ये बोला अनमोल ने कि भाई बिट्टू नहीं आएगा बिकॉज के बिट्टू और राठी का है 36 का आंकड़ा तो वहां पे फिर ये अनमोल ने ये बोला कि सूफी को मैं भाई मानती हूँ सूफी मेरा ना वो लाइव मैं देख रहा था सुनिए अरे बोलो बोल सुनो अरे वो लाइव मैं देख रहा था उस टाइम पे मैं सोया नहीं था मैंने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी मेरे को नींद नहीं आ रही थी गुरप्रीत ने कहा सुमित हम सूफी को दे देंगे भाई एक बात बताओ चलो सूफी को दे चलो सुनो ना अरे सुनो भाई मेरे सूफी भाई चलो गुरुप्रीत ने बोला सूफी भाई को दे देंगे पैसे मैं मानता हूँ कि आपको बीच में क्यों ला गया लेकिन सूफी भैया वो गुरुप्रीत को आपको पीटना है ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे पीटना मादर चौथ की गांठ तोड़नी बहन के लंड बीमार की अरे इसीलिए तो उसने अपने झांचे में फंसाने के लिए 1,00,000 रुपया लेने के लिए उसने बोला कि सूफी को बेच दो मैं गुरप्रीत मैं कहता हूँ बहन के लोड़े तो तू इसलिए 1,00,000 रुपए को आग लगा दे मुझे क्या लेना देना किसी मादर चौथ मुझे क्या लेना देना यार किसके सही कह रहा है इसका मतलब इसीलिए नहीं जा रहा ये अरे इसीलिए तो गुरुप्रीत ये क्या नाम है इसका ये अरे पनौड़ी भाई सुनो भैनचोद के इनकी गांड में दम नहीं है 6,000 रुपए का गाड़ी में तेल लग जाता है 4,000 रुपए का भाई चलो चंडीगढ़ भाई नीचे लिखो सूफी भाई चलो चंडीगढ़ मां छोड़ दो अच्छे टैगलाइन बन गए सूफी भाई चलो चंडीगढ़ भाई नीचे लिखो सब लोग 6,000 रुपए अभी पेटीएम करो पनौड़ी एक मेरी बात सुनो पनौड़ी से बात कर लेते रुक पनौड़ी भाई चलो चंडीगढ़ 1,00,000
6,000 और इनके 56,000। अरे पनोड़ी एक बात और सूफी की बड़ी कर देते हैं। सूफी कह रहा है मेरे 4,000 का तेल लग जाएगा, जो लाख रुपए अनमोल के मिलेंगे ना उसमें 4,000 तेल के भी काट लियो। जा तेल के पैसे मैं दे दूंगा, 4,000 सेवा तेल का पैसा मैं दूंगा, 5-स्टार में रुकने का पैसा मैं दूंगा, सब कुछ पैसा मैं। ये चाहता हूँ कि सुमित भाई, ये अपना सूफी भाई और दूसरे दो चार लठेत को लेके, लठेत बोल रहा हूँ मैं, लठेत बदमाश में, लठेत और बदमाश में फर्क होता है, दो चार लठेत और सुमित भाई और सूफी तुम लोग जाओ वहाँ पे आराम से। अगर वो पैसे देता है तो ठीक है, अगर वो कोई बदमाशी करता है तो हमारे पास लठेत तो है ही है भाई। मैं कहता हूँ जो नारंग भाई के 57,000 तो क्यों नहीं हो तुम लोग? मैं कहता हूँ सुन गुरप्रीत, अगर तू फेक आईडी से भी लाइव देख रहा है, सबसे पहले नारंग भाई के 57,000, उसके बाद तो मेरे सूफी आग लगा दे कुएं में डाल दे, माछ दे भाई, किसी का पैसा मत दियो। मेरी बात सुन, मेरे 57,000 की ये इसने यूं कहा कि गुरुद्वारे में मैं 57 की जगह 1,00,000 रखूं। अरे गुरप्रीत किसी को 57 पैसे मत दियो, आग लगा दे कुएं में फेंक दे, माछ दे, किसी को नहीं चाहिए। मैं नहीं आ रहा भाई, मैं सो रहा हूँ मुठ मार के, माँ चोदे सबके पैसे की बहन चोदे। अरे बहन की चूत, आग लगा ले, सबसे पहले नारंग का पैसा फेंक दियो गंदी नाली में। मादर चुमे भाई मेरी बात सुन, मेरे तो कोई 57 अरे गुरप्रीत 57,000 की सबसे पहले गड्ढी को आग लगा दियो, कोई नहीं लेने आएगा भाई। भाई मेरी गल नहीं समझदा, अगला कहंदा है मैं, अगला कहंदा है मैं कैमिन हूं, एक लाया 3,000 रुपए का चिकन खिलाया, 4,000 रुपए चिकन खिलाया। अरे छोड़ दे, अरे सुमित भाई सुनो, मैं एक मिनट, सुमित भाई सूफी भाई मेरी बात सुनो भाई, तुम दोनों बहुत ही इंतियात से जाओ, आराम से जाओ भाई, सिस्टम चाले से तेरे भाई का चंडीगढ़ में सिस्टम चाले से। ये कहता है मुझे नहीं चाहिए, वैसे कहता चलो चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ आ जाओ। अरे नहीं मेरे मेरे को सुनो, अरे सुनो अरे सिस्टम चाले से भाई का चंडीगढ़ में भाई, मैं तुम्हें भाई सुनो, मैं तुम्हें आर्मी वालों की सिक्योरिटी दिलाऊंगा, पक्की प्रॉमिस है ये मेरी भाई, तुम लोग जाओ डंके की चोट पे पैसा लेके आओ। तूने गुरप्रीत को बोला है कि मैं चंडीगढ़ आऊंगा, अपने लाख भी लेने 6,000 लेने, ये पनोड़ी भाई ने कहा था सूफी आएगा, जो भी मेरे को सुनो पूरे अगर तूने सुन चंडीगढ़ नहीं आना, उससे पंचकुला मिल लेना। अरे सुनना सुनना, ऐसे तो ले गुरप्रीत भाई, एक मिनट सुन, पनोड़ी भाई पूरे इंस्टाग्राम पंचकुला में भाई चोटकुला हो जाएगा, पंचकुला में भरोसा नहीं है मुझे, वहाँ पे चोटकुला हो जाएगा भाई, तो मिलना है तो चंडीगढ़ में, मेरा सिस्टम चाल है। गुरुप्रीत को बुलाओ, इन दोनों की एक जगह डिसाइड होगी, जहाँ से ये सूफी भी सेफ हो वहाँ से ये वो भी सेफ हो। अरे सेफ की बहन का घोसला सुनो, बहन का घोसला, तो वही तो बोल रहा हूँ, बहन के घोसले में तो 1,00,000 रुपये डालने हैं, बहन का भोसड़े नहीं, बहन के भोसड़े में तो 1,00,000 डालने हैं सूफी भैया। अरे सोनिया को ले जाएंगे चंडीगढ़ में भाई, सबको बुलाएंगे, यहाँ पे पैसों की बात चल रही है, तुम रंडिया हराम का पैसा ना हमारे बाप का पैसा है क्या पनोड़ी भाई? लेकिन यहाँ बात चल रही है पैसों की, तुम यहाँ पे रंडियों को बीच में लेके वहाँ बहन चो तुम। अरे जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे उस पैसे, हराम के पैसे का, ये तो दे नहीं रहे मेरे को, मैं भी नहीं दूंगा भाई किसी को, क्या बात तो कर रहे हो पनोड़ी भाई। पुनीत भाई ने बोला, पुनीत भाई ने क्या बोला सूफी मेरी गारंटी हो गई, बात खत्म। एक तरीक का टाइम है, चाहे तो नारंग भाई देंगे चाहे गुरप्रीत देगा, बात खत्म हो गई। सुनो पाजी अपना बूढ़ा भाई है, इंस्टाग्राम में सबसे बूढ़ा पाजी है भाई, भाई देखो वो बंदा ऐसा नहीं है, तुम जाओगे अच्छे से वो तुम्हारी खातिरदारी करेगा, वो बंदे को मैं जानता हूँ, दिल से बहुत बढ़िया बंदा है, ऐसी कोई बात नहीं है,
तुम लोग जाओगे आराम से भाई, वो बंदा अपने पैसों से तुमको खिलाएगा पिलाएगा भाई। बंदा दिल का अच्छा है, मैं उसको जानता हूँ, लेकिन उसको कभी कभी उसका सटक जाता है पीने के बाद, तो वो ऐसी गलतियां करता रहता है, उसको ऐड करो। देखो भाई वो सामने से बोलेगा भाई, वो बंदा 1 लाख की जगह 2 लाख दे देगा, उसको ऐड करो। हेलो अरे दिखेगा गुरप्रीत, गुरप्रीत रिक्वेस्ट डाल इधर। अरे रिक्वेस्ट भेज दे गुरप्रीत। हाँ रिक्वेस्ट डाल दे गुरप्रीत। बात पता क्या है नारंग भाई, आप डिसेंट आदमी हो, बिजनेसमैन आदमी हो, ठीक है ना? तो फिर यार कभी तो तू डिसेंट कहता, कभी कहता स्क्रिप्टेड लाइफ है, कभी तू कुछ कहता यार जब तेरा। अरे नहीं अरे बात 6000 की बात कर रहा हूं, तो पता है पहले दिन से। अरे सुनो ना, अरे नारंग भाई सुनो, नारंग भाई आप तो 6000 मारोगे मुंह पे घुमा के। हाँ तो फिर एक बार बता, 57 भाई सारे पैसे एक साथ होएंगे, 57 भी मंगाओ, लाख भी, 6 भी, सारे मंगाओ एक साथ, फिर तो मैं भी आता हूँ वहां से, फिर तो मैं भी आता हूँ चंडीगढ़, फिर जब ओके होएगा सारा। अब जब तुम्हारे तो फिर मैं पैसे ला जाऊँ तुम्हारी दुआ ने। अरे नहीं पता क्या बात है पैसे भाई, देखो सुमित भाई चलो मजाक से हटके ही यार, मजाक से हटके मुझे बहुत ही अंदर की पनोड़ी भाई, जय बोले की भाई सुनो, बहुत ही अंदर की इंफॉर्मेशन मिली है भाई, मजाक के अटके ठीक है सूफी भाई, प्लीज मजाक से अटके, मुझे धमकी मिली है। जय महाकाल भाई, जय महाकाल भाई। मैं तो मेरा तो दिमाग का घोसड़ा हो गया, आप लोग कौन हो, कौन किसके साथ हो, कौन किसके खिलाफ है, मेरे तो दिमाग की मां छूट गई है। रणदीप पुत्र अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट। $3 भाई देखो मजाक से हटके सूफी भाई, मुझे बहुत ही खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन मिली है भाई, मेरी जान को खतरा है, मैंने कंप्लेंट कर दी क्योंकि मैं चांस नहीं लेता, सबको पता है ठीक है। भाई देखो दिखाता हूँ मैं भाई, यहाँ पे मेरे पार्किंग लॉट में 24 आवर्स पुलिस वाला रहेगा, देख लो भैया पुलिस वाले की गाड़ी देख लो, दिख रहा है पुलिस वाला? भाई मैं, मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है कुछ दिनों में। ये क्या हो गया, मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है कुछ दिनों में, तो आई डोंट टेक चांस भाई। मुझे जैसे इंफॉर्मेशन मिली सुबह में, मैंने तो भाई अपना सब कुछ कार्यक्रम फिट कर लिया, और मैं तो भाई सिक्योरिटी के साथ ही चलता हूँ, तो सूफी भाई आप भी चंडीगढ़ चले जाओ पुलिस वालों को लेके। राइट हाँ हाँ राइट भाई, एक बात बताऊं तो भाई, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो भाई, आपके पैसे मेरे को लेके आने हैं क्या? अरे अगर ये 57 की यहाँ भरेगा ना, इसने तो कहे गुरुद्वारे में रख दूंगा जो भी है बात। तो पनोड़ी भाई क्या आपको गुरप्रीत से डर है क्या? गुरप्रीत आपको मारने वाला है क्या? नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है भाई, मैं तुझे पर्सनल कॉल में बताऊंगा सूफी भाई और तुम दोनों को, बहुत तगड़ी प्लानिंग हुई है ठीक है, लेकिन हाँ बहुत तगड़ी प्लानिंग हुई है, लेकिन मेरे पे खरोच आई तो उनके भी तो बाल बच्चे इंडिया में है ना, ठीक है, तो मेरे पे खरोच आने दो थोड़ी सी, मैंने तो अपना प्रोटेक्शन कर लिया, मैंने तो दिखा दिया मेरे पार्किंग लॉट में पुलिस है, सुबह से आ गया है वो बंदा, राइट अब इसकी ड्यूटी खत्म होगी, दूसरा आके खड़ा रहेगा। ओके हाँ, तो मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि भाई मैं, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक मेरे को ये नहीं पता 6000 कौन देगा। अबे यार तेरी कहानी का समझ, अब ये सारी यार बताओ सारी कहानी खत्म, इस बंदे के, ये बंदे के 57,000 अटके पड़े हैं, वो मलाइका के 1 लाख अटके पड़े हैं, और सूफी भाई तुम 6000 के अंदर, तुम यार कब से 6000, अरे चले जाओ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ चंडीगढ़ चले जाओ यार, पूरा हिसाब किताब साथ में लेके आओ भाई। मैं बलराज भाई को बोलता हूँ, तुम बलराज भाई सुमित अपना पुनीत बुनीत सब जाओ भाई, 57 मैंने ना लेने, हमने ना लेने, बात जो भी है वो सारे भी कह रहा मिलके, तो ये सुमित भाई बोल तो रहे कि भाई हम लोग मिलके, अरे क्या सूफी भैया ये सुमित भाई बोल तो रहे क्या, अरे ये मिलके स्क्रिप्ट कर रहे हैं भाई, ओ भैंचो तुम तो स्क्रिप्ट पे ही अटके हुए यार, ये बंदी ने बोला कि मेरी मां, रमन भाई को ले, रमन भाई को ले, रमन भाई को ले, अनिल भाई को ले, अनिल पंडित जी को ले, जैनवन, अरे ये बंदा बोल रहा है, ये बंदे ने बोला कि मेरी, ये बंदा सुमित बोल रहा है कि भाई अगर स्क्रिप्टेड हो तो क्या बोला भाई, मेरी मां रंडी, ये
बच्चे यार बच्चियों की कसम खा रहा है यार, कुछ भी तुम बात कर रहे हो सूफी भाई यार, तुम बात को लेके सीरियस हो या नहीं हो सूफी भाई, वो बात करो। सास्त्रीकाल अनिल पाजी, सास्त्रीकाल की हाल चाल है पाजी? सास्त्रीकाल बहुत बढ़िया। अनिल पंडित भाई, पंडित भाई पता ही गल है अनिल पाजी। हाँ जी भाई, चलो सूफी भाई तुमको तो यार सारी चीजें स्क्रिप्टेड ही लग रही है यार, यहाँ पे 1700 लोग बैठे हुए हैं, वो बंदा चिल्ला रहा है यार पैसे लेने पैसे लेने, तुम्हें यार सारी चीजें मजाक लग रही है यहाँ पे। अरे थोड़ी देर बंद कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ सुमित भाई, ये सूफी भाई के 6000 रुपए क्या क्या चक्कर है बताओ पहले पंडित जी। चलो यार की बात हो रही है, 6000 दो पंडित जी। मेरी एक बात बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी भाई। पुनीत भाई ने बोल दिया, हाँ जी भाई। पुनीत भाई तो सबसे डिसेंट आदमी इंस्टाग्राम पे, पनोड़ी भाई को ऐड कर। रुको पनोड़ी भाई आ जाओ यार, एक मिनट आ जाओ, ऐसे मत किया करो ठीक है ना। रुको मैं पनोड़ी भाई को। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पुनीत भाई ने बोल दिया भाई जो भी पैसा होगा किसी गरीब बच्चे के उस पे, बट ये अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे, मुझे नहीं चाहिए पैसे भाई, कोई तो यस बोलो। 6000 रुपए ताडे पाजी, गल 6000 नहीं है, गल नू समझो, मैनू पैसे दी जरूरत नहीं है, पर जो तो यार दे नाल धोखा होंदा है ना, यार के साथ गद्दारी होती है, उस टाइम पे दिल दुखता है भाई, ऐसे लगता है कि सामने वाले ने आपका चूतिया काटा है भाई जानबूझ के। मैं इसीलिए कलपता हूं जान जान के रोज रोज। नहीं 57000 वाली गलती में तो पता लगी, फोन आया थी 57000 को आग लगा दो भाई, मुझे 57000 से मतलब नहीं, 1,00,000 से भी मतलब नहीं, उसको भी आग लगा दो। आप इतने बड़े लैंडलॉर्ड बन रहे हो, कभी तुम कह रहे हो हम 5 स्टार में, कभी हम उसके साथ है, कभी उसके साथ है। पाजी मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, पर यार दोस्ती का मतलब तो समझो ना यार, आप गलत बात मत करो यार। आप मेरे को देखो, मैं छोटा भाई हूँ, आप मेरे को इतना सा प्यार करोगे ना, मैं बोलूंगा मेरा भरा बैठा है, मां चोद देंगा तुम्हारी, कोई गाल कटेगा। मैं क्या कहने यार, तानू रियल लाइफ से दोस्त नहीं आएगी अपने बोल की, रियल जिंदगी दोस्ती आएगी अपनी क्या नहीं आएगी? हैगी अपनी हैगी है, वो ज्यादा वधिया है। तुसी मैनू जिथे मिल दो मैं तुहानू कहना पंडित जी राम राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस दोस्त कम हो बट बढ़िया हो पंडित जी। ਇੱਥੇ ਯਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੋਂ ਬਹਿਨ ਚੋਦ ਰਹਾ ਹੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿਆ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਡੋਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੂਨ ਖੂਨ, ਪੱਟੀਆਂ, ਯੇ ਵੋ, ਲੋੜਾ ਲਸੁਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ। ਯੇ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, अपना कहा किसे, लुधियाना? मेरा चंडीगढ़ में है, लुधियाना भी है। अच्छा, गलत बात है, पता क्या, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। अगर कोई आपके बच्चों के लिए बात कर रहा है ना गलत बात, पंडित जी देखो आप सुलझे हुए आदमी हो, अगर आपके बच्चे किसी के भी बच्चे सबके बराबर होते हैं, ये दरवेश है हिंदू धर्म में, हम इनको क्या मानते हैं, दरवेश मानते हैं, बाबा भैरव की सवारी है ये, ठीक है ना, तो भाई इनके बारे में गलत बोल रहे हैं। देखो मैं लीगल की तरफ नहीं जाऊंगा, 2 मिनट में पर्चा होगा, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बट इससे सामने वाला का एटीट्यूड पता चलता है कि सामने वाला बंदा कितने पानी में। यहाँ पर बैठ के इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी बातें, देखो पैसों को लेन देन वाली बात है तो जिसने इंसान देने है ना तो यहाँ तक बात नहीं आएगी लाइव लाइव तक, वो अपना लेन देन बता देगा। पंडित जी बड़े भाई, आप एक बात बोलो कि सूफी तू बड़ी दिन से बकवास कर रहा है, 6000 6000, हम तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड आदमी है, ले ले मादर चोद, ये ले बैंड के लोड़े, ये अपनी जेब से निकालो ऐसे गड्डी नोटों की, ये ले तेरे मुंह पे डाल तो मैं ठक। चलो मैं डाल दूं 6000 रुपए आपके, कोई बात नहीं पंडित जी, बात मेरी बात समझो, सुमित अपना भाई है, मैं आपको मेरे को किस बात का, एक गरीब बेटी की शादी थी, एक गरीब औरत की बेटी की शादी थी, मेरा कार्ड ब्लॉक था, तो मैंने बोला सुमित भाई ने बोला गुरप्रीत से पैसे ले लियो, मैंने बोला गुरप्रीत भाई पैसे दे दो, उन्होंने कहा मैं नैनीताल में हूं, तेरा भतीजा 2 दिन में डाल देगा, मैंने बोला ये अकाउंट है इस पे डाल दियो।
भाई उसकी उस आपको मालूम है हम लोग ना, ये देखो भाई हमारे को ना किसी चीज की टेंशन नहीं है। सुमित भाई को ऐड करना का हमें किसी, देखो सुमित भाई है, समझ रहे हो, अपने को किसी चीज, अपना खाना पीना दिन दिन भर में 5-5, 10-10 हजार का 20 हजार का हम खा पी जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। बट उस टाइम एक गरीब के घर का ना जो चूल्हा चलता है ना पंडित जी, बहुत मुश्किल से, पता है किसी गरीब की बेटी की शादी हो ना, किसी की अभी इतने दोस्त बैठे हैं, सबकी बहन होगी, चाहे सगी हो चाहे कजन सिस्टर हो, पता क्या होता है, ऊपर बोल होता है कि हमारी बहन की शादी है, हमें उसकी हेल्प करनी। अरे उस बुजुर्ग माता की ना आंखों की मेरी तरफ नजर थी कि ये बंदा हेल्प करेगा। मेरा कार्ड उन दिनों में ब्लॉक हो गया, तो मैंने इन भैया से बोला, भैया मेरे को हेल्प, मेरे को पैसे डाल देना। इन्हों का हम डाल देंगे, मैं फ्री हो गया। चलो एनी उसकी शादी हो गई, अच्छी हुई बुरी हुई, मुझे तो दुख लगा ना, भगवान मुझे माफ करे, मेरे को तो दुख लगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए पंडित जी, मुझे मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं बहुत सही हूँ, सेटल्ड हूँ मेरी लाइफ में, इन सबसे बहुत अच्छा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ किसी गौशाला में दान करो, बट अब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जब तक मेरे को 6,000 रुपए वापिस नहीं मिलेंगे मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। अच्छा सच में सुमित भाई को ऐड करना, सुमित भाई को देखो है तो, अगर नहीं है सुमित भाई नहीं है, मैं लाइव शेयर करता हूँ। नहीं भाई ये तो देने चाहिए, अगर 6,000 वाली बात है तो, इतना तो इंसान रियल में भाई हमारे साथ है, 50-50 रात में खर्चा होया था भाई, झूठ वाली बात नहीं है। मेरा डेली का 8-10 हजार, इतनी बेसिक इंसान 6-10 हजार देता, लो भाई पकड़ो। पता क्या है भाई, लाइव के ऊपर बैठ के ना आपकी कोई इज्जत की धज्जियां उड़ाए। तो भाई आ गया, ऐड करना लिखा, ऐड सुमित की आईडी आई है भाई। आ गए। हेलो पनोड़ी भाई भी इससे नाराज होके चले गए, किसी बात का इसको पता नहीं, गुरुप्रीत लाइव पे आके बोल के चला गया 1,06,000 रुपए मैं देता हूँ, तू अंबाला आ जा। अरे मैं क्यों जाऊँ अंबाला, अरे अरे देखो अनिल भाई, देखो अनिल भाई आप समझदार आदमी हो। अबे अनिल भाई क्या करेंगे इसमें, तू अपने पेमेंट, परोड़ी भाई ने तो बोला 1,06,000 रुपए ले जा तू अपने। नारंग भाई सुनो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, मैं आपको एक बात कहूंगा। ओ भाई सुन, पहली बात तो मैंने तेरे को चंडीगढ़ बुलाया नहीं थी, उसने मुझे चंडीगढ़ बुलाया था, तेरा जो भी लेन देन। अरे बहन चोद मैं क्यों जाऊं चंडीगढ़ में लेने के लिए। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मेरे से ज्यादा किलकिल अनिल पनोड़ी भाई भी इसीलिए चले गए ना तेरी लाइफ से, क्यों तू सुनता तो है। पनोड़ी भाई चले गए, पनोड़ी भाई आ गए, उसको मेरी बात सुन। अरे भाई सुन, तू लाइव पे चिल्लाता रहा, तेरे से जो हुआ वो कर ले, अपना लाइव पे तेरी बोल के गया ना कि 6,000 मैंने। अरे सुनो भाई मेरी बात सुनो, वो 57,000 तो पता नहीं आना नहीं आने, पहले तो भाई के 6,000 तो बात खत्म करो। अरे उसको बोल दिया गुरप्रीत ने बोल दिया इसको 6,000 रुपए दे। ना 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 छोड़ो, गुरप्रीत का कोई भरोसा नहीं, आप दे दो। मैं क्यों दूंगा, मैंने तेरे से कोई डील करी है, किस चीज मेरे से मंगा रहे हो पैसे, दे दो। किस चीज का हराम का माल है, इसलिए दे दो 3,000, मेरे निकलते 18,000 गुरप्रीत की तरफ और वहाँ चंडीगढ़ वाले, और 57,000 ये निकल रहे। देख लो पाजी, देख रहे हो, तू तो अपना कर रहा है कि देख लो क्या पाजी क्या देख लेंगे भाई, तू अपने आप को देख, तेरी गांड फट रही है 1,06,000 में, जा अंबाला जाता क्यों नहीं लेने। अब नारंग तूने मेरे से गधे गाली गलोच वाली बात मेरे से मत कर भाई, भाई गाली गलोच तू कर रहा है, तू बार बार चेप हो रहा है तेरे। देखो अनिल पाजी आप बैठे हो, ये गाली गलोच की बात नारंग कर रहा है। बात सुन, गाली गलोच वाली बात नहीं, पनोड़ी तेरे से इसीलिए नाराज होके गया, 1,06,000 की बात है कभी। अरे पनोड़ी मेरे से कभी नाराज नहीं होता, छोड़ पनोड़ी को, तू अपनी बात कर भाई, तू अपनी बात करना, तू क्या ड्रामे मचा रहा जो लाइव पे, जो कह रहा 6,000 भाई तेरे। अरे तू अपने छोड़, माँ का भोसड़ा 6,000 का, तू अपना 3,000, तेरे बात खत्म हो गई। वेटरों को 6,000 देता हूँ मैं गुड़गांव में, तू बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है ना भाई। पंडित जी मैंने गलत बात बोली क्या? नहीं नहीं भाई, पंडित जी आप धर्मशाला बात अलग हो गई भाई। देखो सुमित भाई, बेइज्जती वाली इज्जत वाली बात है, ठीक है ना भाई, का जो भी लेना वो क्लियर करो। पंडित जी मैं एक बात, नहीं तो भाई मैं देता हूँ, हामी भर तो मैं देता हूँ। पंडित जी मेरी बात सुनो, इज्जत से बड़ी कोई बात नहीं है भाई। पंडित जी मेरी बात सुनो, अपने भगवान को हाजिर नाजर साक्षी मान के
आपसे एक वचन करता हूं, मुझे मेरी जेब में एक रुपया नहीं चाहिए। आप अपने मुंह से अपनी जुबान से जिस भी धर्मशाला में, जिस भी गौशाला में, जिस भी अनाथालय में आप बोलोगे वहीं पर पैसे जाएंगे। और बताओ, आपके ऊपर छोड़ दिया, आप तो डिसेंट आदमी हो, धर्मी कर्मी आदमी हो, आपको आप तो भाई बहुत ईमानदार भाई। डिसेंट इंसान ना भाई व्यापार से होता है, कोई पैसे देने से नहीं होता। बाकी मैं आपको वो सूफी बात बताता हूँ, अगर देखो पैसों का काम तो पैसों से होता है, दोस्ती का काम दोस्ती से होता है ना। बाकी सुबह भाई तुम इनके पैसे दो, 3,000 है, 6,000 जो कुछ भी है भाई, गुरप्रीत भाई अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जय श्री राम बोलो भाई। हम लोग ना दिन दिन भर में भाई आशकी अयाशी, खाना पीना, दारू चूत भंग भोसड़ा, सारा दिन लोड़ा लसुन भाई, बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमें इन पैसों से मतलब नहीं। मेरी गांड बताऊं आपको इसी बात के लिए किसी कि भाई उस गरीब की बेटी की शादी थी, उसको वहां पर पैसे पहुंचने चाहिए थे, वहां पहुंचनी मेरी बेइज्जती हो गई। मैं इसीलिए कल पाऊं, मैंने बोला अभी थोड़ी शर्म, देखो भाई दो आदमी हैं, अपने मुंह से मानते हमने पैसे देने हैं, मैं इसीलिए कल पाऊं भाई, एक बंदा तो पैसे दे दो, आप अपने दे दो, मैं बोलूंगा भाई जिन्हें इनके 100% बनते हैं, जो सच बात है। और सरदार जी गुरदीप भाई आपके ही बनते हैं पैसे देना, आपने व्यापार किया, आपकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी कि आपने 57 में एक पेटी खाई थी, सिंगल बेड बोली थी ना, उसमें कटिंग ना कुछ हुआ। पर भाजी यूं ही है भाजी। और सुनाओ सूफी भाई ठीक हो, घर में तो ठीक ठाक? नहीं देंगे इनके साथ। मेहू चाचा क्या कर रहे भाई, 3,000 दूंगा, 3,000 अनिल भाई देंगे। हाँ ठीक है भाई, मैं तो अभी दे दूंगा। सुमित भाई बोलते हैं मैं 6-7 दे दूंगा। और बताओ। नहीं नहीं, मुझे मैंने क्या बोला पंडित जी, ये अपने भाई लोग बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह से हमें देख रहे हैं, 800-900 लोग बैठे हैं, मुझे एक रुपये एक सिंगल पैसा नहीं चाहिए। जो मेरा घर है ना, मेरा घर भाई, एक मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर हर तरह का एनिमल आता है मेरे घर में, मैं मेरी वाइफ सब लोग इसको, ये लोग पता क्या बोलते हैं एनिमल्स के बारे में, बोलता है कि एनिमल्स के साथ सेक्स किया, बताओ डॉग्स के साथ। मेरी मैगी जब मर गई ना, ये कैमी पुत्र है मेरा बेटा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके नाम पे ये प्रोफाइल है, ये देखो सोया हुआ मेरा बच्चा। जब इसकी मां मरी ना पंडित जी, हरिद्वार में संस्कार गुरुद्वारे में, शमशान घाट में संस्कार करने के बाद, अरदास करने के बाद, हरिद्वार में उसकी अस्थि विसर्जन करके आया हूँ। उसके बाद जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना घोड़ा बांधा था, गुरुद्वारा फ्लाई साहब, रुको मैं आपको दिखाता भी हूँ, उस फ्लाई साहब में वहां पर मैंने अखंड पाठ करवाया 3 दिन का। क्या बात है भाई, ये पता क्या, ये मुझे ना समझ में नहीं आता कि लोग अपने मुंह से फिर कहते कि किसी की बेटी के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में आप इस तरह से बोलते हो, आप कैसे बोल सकते हो, आपको शर्म नहीं आती। मुझे पता क्या लगता है भाई, इंसान कभी कभी इस तरह के कर्म करता है ना। नहीं नहीं नहीं, एनिमल्स भाई, जानवर से इंसान प्यार करता है, बहुत करता है, बहुत ज्यादा करता है, कहीं किसी के तो बहुत ज्यादा है। ये देखो भाजी, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, पंजाबी पढ़ लेते हो आप? नहीं पंजाबी नहीं पढ़ते जी। ये देखो तो ये लिखो गुरुद्वारा फ्लाही साहिब, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना घोड़ा बांधा था जब उनका युद्ध चल रहा था। ये लिखा है, गुरुद्वारा तो पता है। हाँ, इसका इस पे लिखा है कुकर मैगी, डोगी मैगी, कुकर संस्कृत में भी कुकर ही लिखते हैं, चलाना मतलब जो उस दिन जिस दिन वो चल बसी, 3/9/2021 को दी सुखमित लई आत्मिक शांति लई अरदास बेंती, ठीक है, ये सारी चीजें इस पे लिखी हुई है भाई, समझ रहे हो। और ये भाई वो होता है, ये देखो ये हमारे धर्म में वो होता है भाई, आपको पता है, ये मेरी बेटी का है, समझ रहे हो, ये मेरे बच्चों के लिए, जिसको मैं अपने अपने अपनी माँ से भी, पनोड़ी को पता है भाई,
मैं कभी बिल्कुल इंसान भाई बहुत झूठ नहीं खाऊंगा, बहुत बहुत प्यार करते हैं बिल्कुल भाई, खा लूंगा मैं कल भी एक रात को एक लड़की है ये दिल्ली की है, मैं उसकी वीडियो वगैरह देख रहा था, कम से कम उसकी मैंने 100 वीडियो देखी है, वो बहुत प्यार करती है डॉग्स को। ये देखो भाई, ये मेरी मिसिज लेके आई डॉग, इसकी गर्दन में कीड़े पड़े हुए थे ओ भाई, ठीक है, ये मेरे घर पे रह रहा है, जब तक ये ठीक नहीं होगा, इसके जख्म ठीक नहीं होंगे, ये मेरे घर पे रहेगा, मेरे घर में छोटा बच्चा भी है। अब देखो इसने यहाँ पे स्टूल किया हुआ है, इसकी पोटी कौन साफ करेगा, मैं साफ करूंगा भाई, आप ही करोगे भाई बिल्कुल। हाँ मैं इनकी, मेरे घर के बाहर 6-7 डॉगी हैं, लाइव के ऊपर सबको पता, मेरे को ये लोग सब अच्छे से जानते हैं, इन लोगों ने अपना जमीर बेच रखा है पंडित जी, बदनाम करने को जो मर्जी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कोई इनको इनसे कोई प्रूफ मांगने थोड़ी आ रहा है, सूफी ऐसा है सूफी वैसा है, भाई सूफी सबसे गंदा है बहन, जो आग लगा दो बात खत्म।